साथ जुड़ेंगे, ये भी कोई भगवान की ही एक लीला का काम। तो संगठनात्मक रूप से अपने गांव में अच्छे कार्य करें, कोई बहुत बड़े काम नहीं करने। भगवान राम ने कोई बहुत बड़ा काम, उन्होंने अपना वचन निभाया और अपना चढ़ाई में कोई वेद नहीं पढ़े थे, उन्होंने अपना कर्म किया और उससे उनको भगवान की प्राप्ति। सभी ने अपना कर्म किया, आप भी अपना कर्म करिए, हम भी अपना कर्म करते हैं और अंत में हम अपने अगर आमंत्रित करेंगे कि आप आए और कार्यक्रम के अंत में अपना उद्बोधन दें जो और हमारा मार्गदर्शन करें, हम लोग कैसे और अच्छा कार्य कर सके और योग के प्रचार प्रसार के लिए और हम लोग क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं और आपके सहयोग के बारे में भी हमें। सबसे पहले मैं अपने स्वामी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा, इतना इतना कमजोर समय निकाला और आज हमारे गांव में उपस्थित हुए और योग रूपी इस विज्ञान को का प्रचार प्रसार हमारे गांव में आकर किया। यहाँ पे बैठे हुए पांडे जी, हमारे रत्नेश जी, हमारे पांडे जी, बाकी आए हुए समस्त मंचासीन, समस्त महानुभाव का, समस्त गुरुओं का, समस्त ऋषियों का, क्योंकि जो लोग योग सिखाते हैं उन्हें ऋषि ऋषि कहा जाता है, उन्हें महापुरुष कहा जाता है। आज इस योग के माध्यम से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना, तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा सब लोगों का सबसे द्वारा और मैं सबका बंधन अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे गाँव में आए और हम आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आपको बुलाते रहेंगे और आप हमारे यहाँ आते रहेंगे और योग का प्रचार प्रसार आज पूरे विश्व में हो रहा है। इस योग की वजह से पता नहीं कितनी बीमारियां खत्म हो रही हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो रही हैं, जैसे कि कैंसर, टीबी, पथरी, बहुत सारी बीमारियां, यहाँ तक कि अभी योग के माध्यम से हमें पता चला है कि जो सबसे घातक बीमारी होती है एड्स जैसे एचआईवी जैसी बीमारियां भी योग के माध्यम से खत्म हो रही है। आज पूरे गाँव को यहाँ पर योग के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं सोनू जी का जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। योग के लिए आज तक किसी के इतिहास में, हम लोगों के गांव के इतिहास में, अगर आप लोगों को याद होगा तो स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए, निरोग होने के लिए आज तक ऐसा कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि आपके गांव में कभी हुआ होगा। इसके लिए मैं सोनू जी का आभार व्यक्त करता हूँ और थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करता हूँ, जितनी प्रशंसा की जाए सोनू जी की उतनी कम है। और इस योग में आप सब आए हुए हमारे मामा, हमारे मामी, हमारे नाना, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि आप खुद एक बार दो जोरदार तालियों से अपना स्वागत करें कि आप यहां उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ पहले क्या हुआ करता था, योग का जो शिक्षा थी, हमारे यहाँ योग का कोई गुरु नहीं था हमारे हिंदुस्तान में। मैं बाबा रामदेव जी का जोरदार तालियों का स्वागत करना चाहता हूं, उन्होंने योग का प्रचार प्रसार और योग का शिक्षा हमारे हिंदुस्तान को, हमारे हिंदुस्तान को योग का ज्ञान दिया। आज योग की बदौलत ही हमारा देश जो है विश्व गुरु की तरफ फिर से जो अग्रसर है और पूरे विश्व ने जो है योग को जो है योग के लिए एक राष्ट्रीय दिन, एक राष्ट्रीय दिवस आने वाले समय में घोषित किया है। पूरा विश्व जो है हमारे देश के योग को जो है आने वाले समय में एक ऐसे उदाहरण के रूप में लेगा कि भारत की उससे जो है बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त होगी और पूरे विश्व में जो है हमारे देश का जो योग है वो पूरे विश्व में विख्यात होगा और हमारे भारत का नाम रोशन होगा। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि योग जो है प्रतिदिन उठ करके अगर आप लोग करते हैं तो ना इसमें आपका कहीं से पैसा खर्च होने वाला है, ना कहीं से आपका बहुत ज्यादा टाइम नुकसान होने वाला है और बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट ऐसे होने वाला है कि अगर आप प्रतिदिन योग करते हैं, प्रतिदिन अगर आप व्यायाम करते हैं, तो अगर आप परिवार के मुखिया हैं, अगर आप दवा का महीने में 100, 200, 400, 500 अगर देते हैं, तो आप लोग किसान हैं, आप लोग गांव भरते हैं, आप लोग सिंचाई का खेती करते हैं, पैसे की दिक्कत है, रोजगार के साधन उस तरीके से नहीं है, अगर महीने का 100, 200, 400, 500 बचेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, आपका बच्चा देखेगा आपको, आपका परिवार देखेगा आपको कि अगर आप लगातार योग कर रहे हैं तो गांव में एक तरीके से क्रांति आ जाएगी, गांव में एक तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। और ये झोला छाप जो डॉक्टर हैं, जो गलत दवाइयां हम लोगों को देती हैं,
अस्पताल बंद हो जाएंगे और हमारा पूरा क्षेत्र निरोग हो जाएगा। तो हम आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे इन गुरुओं ने हमारे गांव में आकर के निस्वार्थ भाव से, कोई लालच न होकर के निस्वार्थ भाव से अगर इस योग के लिए कुसमी गांव को चुना है, हमारे ननिहाल को चुना है, हमारे अपने लोगों को चुना है, तो हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि कम से कम 15 मिनट आप लोग, जैसे कि योग के बारे में बताया गया है, आप लोग मिनिमम 15 मिनट कम से कम रोज योग करेंगे। और हमारे गुरुओं ने जो आदेश दिया है, या हमारे गुरुओं ने जो आप लोगों से प्रार्थना किया है, क्योंकि गुरु की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। गुरु हृदय गुरु ही जो है सब कुछ होता है, भगवान से पहले गुरु का स्थान होता है। और अगर इन महानुभाव ने, इन गुरुओं ने आप लोगों को बताया है कि आप लोग योग करिए, तो मुझे लगता है कि आप इनके लिए नहीं, अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भाई बंधुओं के लिए योग करिए। और योग से खुद योग करिए और कम से कम 10 लोगों को और बताइए। पहले हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में कुश्ती हुआ करती थी, कुश्ती से लोग कुश्ती लगा करते थे, अखाड़े लगा करते थे, लोग हस्त पुष्ट हुआ करते थे और एक से एक पहलवान लोग हुआ करते थे। कुश्तियों का समय चला गया दोस्तों, अब योग का समय आ गया है। गांव में इससे सरल, इससे सटीक तरीका, योग से सरल और योग से अच्छा उपाय निरोग होने के लिए कुछ नहीं है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, ठीक है। ये इस कामना के साथ हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के सभी लोग योग करें और निरोग रहे। भारत माता की, भारत माता की, दो हत्या बंद, दो हत्या बंद, देश का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। हम सब मिलकर योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, हम सब मिलकर योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो क्या हम सब शपथ लेते हैं जो मामा जी कि हम सब लोग रोज योग करेंगे? अरे नानी जी, मामी जी, क्या लगता है कि हम लोग रोज सुबह उठ करके योग करेंगे कि नहीं करेंगे, व्यायाम करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रयास नहीं करना है हम लोगों को, रोज सुबह उठ करके योग करना है। और एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद जब भी हमारे गुरु फिर से आए, तो हमें बताना है कि गुरुदेव हमने इस तरीके से किया और इस तरीके से योग करने के बाद ये परिवर्तन हमारी जिंदगी में आया। और उसके बाद हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि हर दो तीन महीने में एक ऐसा प्रशिक्षण हो, जो प्रशिक्षण केंद्र लगे, जिससे कि हम सब निरोग रहे। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।